आपकी ज्योति प्रज्वलित है मुझ में, ज्योति का प्रकाश विद्यमान है मेरे चेतन अवचेतन मन में। एक अदृश्य अटूट डोर से माँ गायत्री, सदैव बंधा हूँ आपसे, सदैव बंधा हूँ आपसे। स्वागत दोस्तों, हम भारतीय कहीं भी हों, भारत में या भारत के बाहर, अपने त्योहारों से, अपने संस्कारों से, अपने विचारों से हमेशा हमेशा जुड़े रहते हैं। एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में इतनी शक्ति है, हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मिलित रहते हैं। तो इसी जर्नी में आज मैं अपने साथ आपको ले चलूँगा गायत्री चेतना सेंटर, जो पिस्कैटेवे न्यू जर्सी सेंटिनियल एवेन्यू पर लोकेटेड है। हमने इस सेंटर को 6 से 8 महीने पहले से एक्सप्लोर करना शुरू किया और ये जाना कि कैसे हम सब भारतीय कहीं भी रहते हों, इस सेंटर पर आकर साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, योगा और कम्युनिटी सर्विसेज करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन एक एनर्जी फील होती है। ये सेंटर आप जैसे देख सकते हैं अपने वीडियो पर स्क्रीन पर कि कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, कितना भव्य है। माँ गायत्री की मूर्ति, गणपति बप्पा की मूर्ति, शिवलिंग और आचार्य युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वहाँ पर प्रतिमा जैसा स्थापित किया गया है। बड़ा ही सुंदर सेंटर है। यहाँ बैठने पर बहुत ही शांति का एहसास होता है। मैं तो यहाँ पर अब गायत्री जप करने आता हूँ, पर लोग अलग अलग विधान से यहाँ पर आते हैं। कभी यज्ञ करने आते हैं, कभी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, और आगे आप देखेंगे इस ब्लॉग में कि किस तरह हम होली, नवरात्र के अलग अलग पर्व जो हमने 6 से 8 महीने पहले से एक्सप्लोरेशन में देखा, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ही सुंदर सेंटर है, और अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। इसकी एक वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर इवेंट्स की सारी लिस्ट दी हुई है। एक PDF उन्होंने अपलोड किया हुआ है, और जो कि अपडेट होता है, और ये ईयरली कैलेंडर है। तो आप देख सकते हैं हनुमान जयंती, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, नवरात्र, दिवाली, नूतन वर्ष, सभी प्रकार के फंक्शंस यहाँ सेलिब्रेट होते हैं और भव्य होते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरज कुंड पाठ भी होता है, यज्ञ भी होता है, और अलग अलग सर्विसेज। तो आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, केटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइडेड हैं। तो मेरे लिए ये सेंटर बहुत विशेष बन गया है, क्योंकि मैं हमेशा से माँ गायत्री और गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इस ब्लॉग के थ्रू आप सबको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप भी इससे जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आप भी अपने मन को अगर शांत करना चाहते हो, या भारतीय परंपरा को प्रत्यक्ष देखना चाहते हो भारत के बाहर, तो ये एक ऐसी जगह है। पार्किंग लॉट बहुत बड़ा है, मैंने सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन कवर किया है यहाँ पर, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और हम यहाँ पहुँचने पर वहाँ पर आरती का, हमने आरती में सम्मिलित हुए, बहुत अच्छा लगा बैठकर। आप देख सकते हैं दूसरे भक्तजन भी कितने कितने ओतप्रोत हैं, और माँ गायत्री को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर तो अप्रतिम शांति का मुझे एहसास हुआ। और फिर हम गए थे होली मनाने के लिए, तो होलिका दहन का एक पर्व आपके सामने नज़र आ रहा है। ना सिर्फ न्यू जर्सी पर, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए थे। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग होलिका दहन मनाने आए, और इतना अच्छा लग रहा था सभी अपने जनों को देखकर, जिन्हें मैं पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत खुशी लग रही थी। मेरे भारत में बिताए हुए समय का मुझे एहसास हो रहा था, तो आपको भी ज़रूर होगा। और मेरे भारत में बैठे मित्रगण जो है वो भी इसको देख रहे होंगे, और शायद आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि इतने सारे लोग एक विदेशी धरती पर अपना पर्व, अपना जो रूट है, उसको किस तरीके से अपने काम को छोड़कर, पैसे की चिंताएं छोड़कर, सारी चिंताएं छोड़कर साथ में आते हैं, और एक
खुशी की लहर सी होती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि मुझे कैसे लग रहा था। और फिर उसी ग्राउंड पर रंग होली भी हो रही थी, बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी लोग थे वहाँ पर। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ अमेरिका में पैदा हुए वो भी होली का मज़ा ले रहे थे, रंग होली का मज़ा ले रहे थे, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। और ये देखिए गाना भी चल रहा है वहाँ पर, तो आप भी सुनिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अपने व्यस्त जीवन से हटकर अपनी भारतीय परंपरा का जो एक एहसास है वो होता है कि कैसे जोड़ देता है सबको। एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, डांस करते हुए देख रहे हैं। मुझे भी बहुत मन कर रहा था डांस करने का, हेजिटेशन था थोड़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो दोस्तों की टोली के साथ जाऊंगा और खूब भारी रंग होली खेलूंगा और खूब मस्ती करूंगा, खूब डांस करूंगा। कितना कितना प्यारा माहौल है। भारत के अलग अलग राज्य के लोग यहाँ आते हैं, न भाषा देखते हैं, न रंग देखते हैं, न कुछ, बस। और ये नवरात्र सेलिब्रेशन, तो ये एक अलग सेलिब्रेशन था, होली से हटकर था। और आपको पता ही है गरबा डांस, मैंने मंदिर के अंदर जो प्रांगण है मंदिर का, वहाँ पे सारे ये भक्तजन, सारे समाज के लोग, मुख्यतः गुजराती समाज के थे, उनका मैं मन से धन्यवाद, विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ कि न्यू जर्सी की धरती पर उन्होंने काफ़ी अच्छा अपनी जगह बनाई, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को अच्छे से उन्होंने संजो के रखा है। काफ़ी मेहनत करते हैं ये सारे लोग, इसमें वॉलंटियर्स भी है जो सेवा दान करने आते हैं, केवल सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पैसे के सेवा दान कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेवा दान वही होता है, पर काम छोड़ के अपनी संस्कृति के लिए, अपने त्योहारों के लिए करना बहुत बड़ी बात है। तो आप गरबे को भी इंजॉय करिए, मैंने बहुत इंजॉय किया, मेरे परिवार ने भी बहुत इंजॉय किया। और अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, भिन्नताओं में एकता नज़र आती है। गायत्री परिवार का जो मुख्य संचालन है वो हरिद्वार में स्थित शांति कुंज आश्रम से होता है। तो मैंने वेबसाइट को एक्सप्लोर किया, मेरा काफ़ी इंक्लिनेशन है इंडियन कल्चर के बारे में जानना, उपनिषदों के बारे में जानना, कहानियों के बारे में जानना। तो मैंने देखा और मैंने आपके साथ भी शेयर किया है कि उनके वेबसाइट पे आप जाके उपनिषद, पुराण और अलग अलग वेदों को आप डिस्कवर, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये हिंदी में है, अलग अलग भाषाओं में है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको ये लिंक इस तरीके से मिले कि ये एक उपनिषद का उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है, तो आप इसको ऑनलाइन फ्री रीड कर सकते हैं। और अगर आपको ख़रीदना हो तो आप ख़रीद भी सकते हैं, काफ़ी नॉमिनल है बट फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है, स्कैंड टेक्स्ट है, आप रीड भी कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उपनिषदों को पढ़ सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज्ञान की बातें हैं, हम कहीं अलग अलग दिशाओं से सुनते हैं। और ये ओरिजिनल सोर्स है, काफ़ी बड़ा एफर्ट मुझे कहना चाहिए गायत्री परिवार ने किया है अपने वेदों को संभालने का। और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आप गुजराती हैं तो आप गुजराती में पढ़ सकते हैं, आप हिंदी हैं भाषी हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, US में बैठे मेरे मित्रजन आप भी एक्सप्लोर करें। अलग अलग स्टोरीज़ हैं, तो बचपन से मैं अखंड ज्योति पत्रिका में अलग अलग इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ पढ़ता था जो हिंदी में है यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया है। और अखंड ज्योति के अलग अलग जो मैगजीन्स थे ईयर वाइज वो भी उन्होंने डिजिटाइज करके रखा है, तो कमेंडेबल जॉब किया है यहाँ पर। हम जैसे लोगों को जिनको एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं है या जिनको उत्सुकता बहुत ज़्यादा है या जो अपने बच्चों को ये ज्ञान देना चाहते हैं स्टोरीज़ के थ्रू, तो अखंड ज्योति की पत्रिकाएँ, स्टोरीज़, उपनिषद, वेद, आपको सारा कुछ इनके वेबसाइट पर मिल जाएगा। और प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम का मतलब क्या होता है, ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, और राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग की परिभाषा क्या है, उसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण
और समझाया है गया है इन अलग अलग अखंड ज्योति की पत्रिकाओं में, डॉक्यूमेंट्स में। तो मैंने सब कुछ आपके सामने जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है वो मैंने कवर किया। आप खुद पर, खुद के बेसिस पर भी आप डिस्कवर करें, बट ऑसम है। होपफुली आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। और मैं यहाँ पर आपको छोड़े जाता हूँ, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्प्रेड लव ऑल ओवर। थैंक यू, बाय बाय।